मानवा द्वारा पूरण होगी। जो वीर धनुष तोड़ेगा और जो वीर यह धनुष तोड़ेगा और सीता उसको अर्पण होगी। चुप बे बकवादी, क्यों बकबक नाहक करता है? मैं अभी जोर दिखलाता हूँ, देख किस तरह जोर खींचकर नाकों तक लाता हूँ। देखो अब मैं आता हूँ और अपना जोर मैं दिखाता हूँ और एक हाथ से धनुष उठाकर मसल कर शत्रु बनाता हूँ। मैंने जान लिया, सबको पहचान लिया, यह धनुष दुबले पतले आदमी से नहीं उठने वाला। जितना यह भारी उतनी मेरी सौंध भारी। देखो अभी चाकर तो टुकड़े करता। अच्छा अब हमारी बात सुनो, आओ सब मिलकर धनुष तोड़े। फिर सीता से नाता कौन जोड़ेगा? कुछ धनुष बल की थाह मिली, कुछ रण में वानगी देखना है। अब हाथों का बल तो सन्मुख है, अब मार कृपाण की देखना है। समझ में कुछ नहीं आता। दीप दीप के राजा का, दीप दीप
के राजागढ़ हम किसे कहे पर ताली है, हमको तो विश्वास हुआ कि दिल्ली भी रोते खाली है। जो पहले जानते होते ये दुर्गत नहीं होती, हम ऐसा प्रण ही क्यों करते, ये वैसी हंसी होती। प्रण को तोड़ दू तो घर में जाए और लज्जा है, कुंवर को कुंवारी रहना है, करूं क्या मेरा पास क्या है। सजो सब आज घर जाओ, सभा हम जोड़ पछताने, लिखा है क्या सीता का, नहीं सचमुच विधाता ने। लक्ष्मण 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 हे सूर्य कुल भूषण श्री रामचंद्र जी तथा उपस्थित राजाओं, हे सूर्य कुल भूषण श्री रामचंद्र जी तथा उपस्थित राजाओं, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनमें सुनने की ताब नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते यह अनुचित वाणी कह डाली, यह सब हृदय में चुपते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली। मेरा विचार तो ऐसा है, रघुवीर राम के होते यह अनुचित वाणी कह डाली, यह शब्द हृदय में चुपते हैं, पृथ्वी भी रोते खाली। मेरा विचार तो ऐसा है, अनहोनी कभी नहीं होगी, जिस दिन पहलवान नहीं होंगे उस दिन पृथ्वी भी नहीं होगी। अभिमान क्या कर कहता हूं, अनुशासन आपका पाऊं मैं, यह सड़ा धनुष ना चीज क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, जल को थल थल को जल, ले आऊं उतार सितारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना सड़ा गला, ना चीज या किस गिनती में है, सौकड़ कोस तक ले दौड़ू, इतना बस इस उंगली में बल है। तौरो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ, जो न करे प्रभुपत धरनी धरो ना। शांत भाई लक्ष्मण शांत, श्री गुरु जी की उपस्थिति में हम लोग को बिना आज्ञा का कुछ बोलना ठीक नहीं। श्री जनक के वचन का दुख क्रोध करना उचित नहीं है। अब समय आ गया, उठो और धनुष को चकना जोर करो और शीघ्र ही जनक राज के शोक को दूर करो। जो आज्ञा स्वामी।
बहनी का हो? देखो आज हमारी सीता सखी का विवाह है। जी हाँ दिया, लेकिन कहना है क्या है? हे आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, हे आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ा आगे तुम
या तेरी ही करनी है जिसो ता सांप जगाया है। हो जाओ सवाल से अलग सभी, हम मजे तुम्हें चखा देंगे। ऐसा न हुआ तो सब राजा तोखे में मारे जाओगे। जी हाँ, सुख का संवाद कभी दुख का कारण हो जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिजड़े में आता है। अधिक जो मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। हाँ, ना मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हमी सही, यह जहर हमी ने निचोड़ा है। जो कुछ करना है करे यार, यह धनुष हमी ने तोड़ा है। बचपन में धनुआ तोड़ी थी तो कभी ना इतना खिसिया है। इस धनुए में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गर्माए। अरे रो राजक लंबे, तुम मोह को नहीं संभालता है। वो जैसे क्रोध के आगे तो आंखें लाल निकालता है। मेरे विचार से सब धनुष एक समान होते हैं। फिर समझ नहीं आता क्यों इतना क्रोधी होते हैं। सिमान तुम ब्राह्मण हो इसलिए मुझे यह कहना है। शोभा आपको नहीं देता जो क्रोध का गहना पहना है। यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महाराज, चाहिए शांति ब्राह्मण। अरे सच तुझे हुआ क्या जब बहुत काटता जाता है। क्या लगता है ब्राह्मण समझा जब मुझे काटता जाता है। मुझको सीधा प्रेम ले जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। ब्रिग वंशी पर ब्रह्मचारी अति क्रोधी निर्बोही हूँ। मेरा इस खोने पर से ने सोरित की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में कई बार छत्राणी राल बना दी है। भी जब भुजाए काटने वाला है, अब देख तुम्हें इस फरसे को जो खून चाटने वाला है। क्या कहना है महाराज, आप बड़े बटमानी हैं और यह फरसा आपकी वीरता की निशानी है। देखिए देखिए कहीं नजर ना लग जाए। जल्दी बगल में दबाइए कहीं हवा ना लग जाए। बस इसी एक ही फरसे से छत्रिक कुल का मुख्तार कुला हल्दी की एक ही गांठ पे पर सट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी उसकी बहार, हथियार आपकी खिजा में है। अब फरसे में वक्त काट नहीं जो काट आपकी जुबा में। कि बूढ़ा फरसा दिखलाकर इस छत्री जवान को डरा रहे। बलियार आप तो फूंक से उदिया चल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छुए से मुरझा जाए। कौशिक देखते हैं इस बालक को, यह मेरी शक्ति को त्रिर समान भी नहीं समझता है। आपका कहना ठीक है महाराज, मगर आपके सुंदर यश को सिवाय आपके दूसरा कोई वर्णन नहीं कर सकता। बस बस अब मुझे दोष मत देना। यह कड़वा दे बालक मरने के योग्य है। बालक जानकर मैंने इसे बहुत बचाया, पर यह अभी अपने तौर पर बाज नहीं आया। जाने दीजिए अपराध। साधु लोग बालक को गुणदोष नहीं दिया। अच्छी बात है, आपका आग्रह मानकर छोड़ देता हूं और अपना क्रोध वापस लेता हूं। नहीं तम गुरुद्रोही को समझकर कदाप न छोड़ता। हाँ हाँ मुनिराज, आप शील के निधान हैं। विदित कौन नहीं जाने जाहिर जहान है। अच्छा देख अब तो परशुराम मुझे बार बार फरसा क्यों दिखलाता है।
तुम ब्राह्मण हो इसलिए अब तक बच्चे जाते हो। अभी अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। मुनि जी, युद्ध में लोहा लेना बड़ा कार्य होता है। दयाल सुनो विधायक आपको दीप दयाल चाहिए जो लड़का लड़काई करे तो क्षमा करके मनते बिसराइए श्री रघुराज हरे शरणागत आपय भय करके अपनाइए आप क्षमा से क्षमा भर है नहीं बालक पातन में चितलाइए। हे राम, तुम्हारा बड़ा भाई पापी और कुटिल है, मुझे यह त्रिड समान भी नहीं मानता। इसकी ढिठाई हमारे क्रोध को शांत नहीं होने देती। मुनि जी, इतना क्रोध बेकार है, क्रोध पाप का भंडार है। अब क्रोध त्याग कर तनिक दया कीजिए। हमने धनुष तोड़ा है, आप किसी गुड़ी को बुलवा कर जुड़ा लीजिए। स्वामी पैर पियाते होंगे, तनिक विश्राम कर लीजिए। देखते हो राम, वह अभी विष उगल रहा है, एक एक शब्द से एक एक बार निकाल रहा है। हे नाथ, आप तो स्वभाव से ही सज्जन हैं। बालक के वचन को ध्यान मत दीजिए। बड़े बालक एक समान होते हैं, साधु पुरुष उनका ध्यान नहीं देते। कर्ता कारण और कर्मों का हे नाथ उपाधि जाए बस वही उपाय कीजिए। अपराधी चरणों में है नाथ, जो दंड हो उचित वो दीजिए। हे राम, रिस कैसे जाए, तेरा छोटा भाई तो मेरे जब भी शत्रु के दृष्टि से देखता है। देखो उस तरफ जरा देखो, वह अभी तब मुस्कुराता है, उसका सुखी से मुस्काना मुझ पर बिल्लियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, मुश्किल में है मेरी जान है अब, बस मार डालूंगा इसको। हे राम, यही अरमान है अब, हम मुझको हो गया है क्या, क्या पांव में आगे बढ़ता है, पर सब पहाड़ हो गया जो उठाए सिर नहीं उठता है। मेरा स्वभाव क्यों पलट गया, क्या दया हृदय में आती है, और इधर इस बालक की बातों से देह भी जलती जाती है। वाह वाह, क्या सीधापन है, मानुष के मुख से फूल झड़ते हैं, ये दया नहीं कायरता है। हे मुनिनाथ, आप भूल करते हैं। हे जनक, देखो इस बालक को बरस दो, नहीं यह मूर्ख यमपुरी को जाना चाहता है। हे जनक, उसको भी तो कुछ समझाओ, मुझे को मजबूर मत करो, मेरी आंखों के आगे से इस लटखट को दूर करो।
हे मुनिवर तुम तो ज्ञानी हो, झगड़ा क्षण में दूर करो, बस बंद करो आंखें अपनी, नजरों से सबको दूर करो। ले अब तैयार हो जा। महाराज क्षमा क्षमा, बालक ने वीर भेष देखकर जवाब दिया है, यदि मुनि की तरह आते तो चरणों की धूल सिर पर रखता। आपका नाम सुना था पर पहचाना नहीं, इसलिए क्षमा करिए। हो यह चार छोटा भाई तो बार बार मुझ पर अंगारे फेंक रहा, तो मीठी मीठी बातों से छोटे को मेरे सेक रहा। कितना गर्व है, नर्म है या क्या, क्या कुटिल नीति है दोनों की, क्या विश्वामित्र क्या देखते हो चालाकी अपने चेलों की। स्वामी भला हमारा आपका क्या जोड़, स्वामी और सेवक में कैसी होड़, आपके हाथ में फरसा है और हमारा सिर फरसे के नीचे है, जिस तरह से क्रोध जाए बस वही कीजिए, अधिक संताप मत सहन कीजिए। हम ही तुम ही सरवर कहा चरण कहा, राम नाम मम लघु कहा। सबही विधि हम हार बिनु से नवा, क्षमा कीजिए दो से सबया गुड़ाय, हे स्वामी सबया गुड़ाय। हे राम तुम मुझे केवल ब्राह्मण ही जानते हो, मैं कैसा ब्राह्मण हूं यह नहीं जानते। तरज तारी अभिमान के अहमद भयो अपार, तहबुल मानव जीत के ठाड़े राजकुमार। हे नाथ, दोस्त लक्ष्मण का है, आप हम पर बिगड़ रहे हैं, हम जितना दबते जाते हैं आप उतना सर पर चढ़ते जाते हैं, सच है। कतहु सुधारण ते बरदोषु, गुनहु लखन कर हम पर रोषु, टेढ़ी जानी शंका सब काहू, वक्र चंद्रमा घसे राहू। मेरी चूक तो थोड़ी है, आपकी रिस बड़ी है, बिना खींचे ही टूक टूक हो गया। महाराज कुछ अभिमान नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं, जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रह सकते हैं, फिर चाहे वह कोई भी हो हम उससे दो दो हाथ करें, यदि काल भी आए लड़ने को तो कुश्ती उसके साथ करें। इसलिए फरसा ना दिखलाओ, हम खौफ ना उसका करते हैं, हाँ एक शस्त्र है महाशस्त्र जिससे हम अब भी डरते हैं। महाराज देखिए नीचे की ओर, वह इन चरणों की ठोकर है, बस यही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे अपना डर निश्चित है, यदि उसे काम में लाओ तो यह ब्रजस्थल हाजिर है। हैं? क्या राम अवतार हो गया, प्रभु के माया का विस्तार हो गया, परंतु निश्चय कैसे हो। हाँ यदि उन्होंने यह धनुष को चढ़ा दिया तो निःसंदेह राम अवतार हो गया। राम रमा पति करे धमले हो, है जा हो चाहे
गोकुल में